केडिया जुड़ चुके हैं केडिया नॉमिक्स के फाउंडर सुशील। गुड आफ्टरनून सुशील, पहले आपका ब्रॉड व्यू जान लेते हैं। 17,000 ऑलमोस्ट टूटने वाला है, टूट ही गया चलिए आपके आते आते। तो शॉर्ट ट्रेड, आपका लेजेंडरी शॉर्ट ट्रेड जो आपने इनिशिएट किया था ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट पे दिवाली पे, और मजा आ गया, मतलब अभी तक लास्ट कर रहा है। चलिए वहीं से चर्चा चालू करते हैं कि इस लेवल से कैसे रिविजिट कर रहे हैं आप। देखिए, ये लेजेंडरी ट्रेड तो 15,000 तक भी लास्ट करेगा, पर ट्रेडर्स की लाइफ में जो चुनौती होती है ना, बीच बीच में हम शॉर्ट की जगह लॉन्ग भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी तो मैं भी घिघी बांध करके स्क्रीन को देख रहा हूँ कि मैंने लॉन्ग किया हुआ कि एक रिबाउंड आ जाए वापस 17,600 17,800 का। ओके, वेरी गुड। तो ये ट्रेडिंग की पोजिशन अलग है, जी आपकी स्पेक्युलेटिव पोजिशन अलग होती है और व्यू अलग होता है। तो 15,000 भी आ जाएगी तो निफ्टी, मुझे नहीं लगता कि एक सीधी लकीर में कुछ होना है। ये बार बार बड़े बड़े बीच में रिबाउंड्स बना बना के आएंगे बाजार। और अब चार्ट्स को भी इंटरप्रेट तो देखिए इंसान अपनी कल्पनाओं से ही करता है, अपनी एक जचावट से करता है, बाकी चार्ट वैसे दिखने लग जाती है जैसा व्यू बनता है। ये बायस तो आता है जरूर, पर एक कॉमन सेंस की बात है, जब खबर इतनी खराब हो जाए और हर इंसान को बेचना है तो फिर यहाँ सौदा हो कैसे रहा है, ले कौन रहा है? और यही सवाल आपको मजबूर करेगा, बीच में टाइम टू टाइम रैलीज को टैकल करना पड़ेगा। या तो आप अपनी शॉर्ट्स को काट के साइड में हट जाओ, या आप लॉन्ग टर्म स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग में चले जाओ, या आप ट्रेडिंग का रिबाउंड खेलना है तो बहुत छोटी पोजीशन में खेले। तो मैं फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही करीब करीब 400 से 500 पॉइंट की निफ्टी में रैली आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, और हम ट्रेडिंग की बुक पर थोड़ा एक रैली के लिए पोजिशन है विद सम स्टॉप लॉस। क्लियर व्यू एकदम। ओवरऑल ब्रॉड व्यू अभी बदला नहीं है, लेकिन मीडियम टर्म में पोजीशन एक साइड से ज्यादा टिल्टेड हो गई है, तो आप रिबाउंड के लिए एक मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, नियर टर्म रिबाउंड के लिए खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपसे कुछ बड़े स्टॉक्स अगर मैं जान सकूं जो खींच रहे हैं बाजार को नीचे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, 8-9 दिन से लगातार पिटाई हो रही है, बड़ा वेट है, कहां तक जा सकता है ये, और ये चार्ट्स क्या बता रहे हैं इसके? देखिए, आज मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं हो पाई, वरना मैं आपको ये चार्ट दिखाता इसकी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपकी हमारी पास्ट में बात हुई थी काफी पहले, जब 2700-2800 के जोन में था कि 2330 जाएगा, और 2330 भी तोड़ दिया तो इसका अगला पड़ाव है 2250, जिस पर आज हम हैं, और वहां से भी नहीं घूमेगा तो 1850 भी हो सकता है। तो देखिए, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलते जाना पड़ेगा, कंप्लीटली प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना घातक होता है। अगर मैं काश आपको रिलायंस की चार्ट दिखा सकता तो मैं आपको यही कहता, इट इज टू लेट टू सेल दिस स्टॉक एंड इट इज डेफिनेटली अर्ली टू बाई। तब जिसकी शॉर्ट बनी हुई है वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको चलाता रहे, और जब वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाएगी आप निकल जाइए। हर रोज हर घंटे की प्रेडिक्शन करना अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना है। तो सुशील, कुछ और सेक्टर्स पर भी बात करते हैं। यहाँ पर क्या आईटी में भी एक रीबाउंड का केस बनता है? देखिए, ब्रॉडली इंडेक्स स्पेसिफिक एक रीबाउंड में इंडिविजुअल एकदम सारे शेयरों में हम आईटी में और इसमें सब में रीबाउंड खेले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर अगर इंडेक्स रीबाउंड करेगी तो 2-3% का रीबाउंड तो सारे स्टॉक्स कर सकते हैं। निफ्टी के ऊपर 500-600 पॉइंट का रीबाउंड, 3% का रीबाउंड है, तो वो ट्रेडिंग के लिए हम निफ्टी पे एक व्यू ले रहे हैं। बाकी स्टॉक्स तो अब ओवरसोल्ड है, जैसे आप इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस सबकी चार्ट देख लो, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। यहाँ नया बेचना मूर्खता है, यहाँ नया लेना समझदारी नहीं है, और नया बेच देना मूर्खता है। तो ऑलरेडी इतना घटा हुआ बाजार है, और यहाँ नया क्या बेचेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि घट नहीं सकता है। तो नई एंट्री लेना और एक लार्जर ट्रेंड को परसीव करना, दोनों में बहुत फर्क है। ओवरसोल्ड है सारे आईटी के स्टॉक्स, रैली आएगी अगर निफ्टी में तो सब में आ जाएगी। ठीक है सुशील सर, हम आपसे क्या पूछें, आप ही अपने आप से देख के बता दीजिए कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म पुलबैक के लिए देख रहे हैं बाजार के अंदर, तो फिर सर कौन से शेयर देखे जाएं जो शॉर्ट टर्म पुलबैक में शेयर्स के हिसाब से भी चलेंगे, अगर इंडेक्स चला तो थोड़ा ही चला तो? शॉर्ट टर्म पुलबैक को खेलने का काम सबके लिए उचित नहीं है, ये एक्चुअली करना ही नहीं चाहिए। जो लोग फुल टाइम स्क्रीन बेस्ड ट्रेडर्स हैं, अगर उन्हें कोई नया सौदा करना ही है तो आप शॉर्ट टर्म पुलबैक के लिए जैसे रिवर्सल आए, जितने भी डाउन ट्रेंड लाइन से कोई भी टूट जाए सबको ले लीजिए,
तो आपकी जो इच्छा रहती है कि आपके दर्शकों को स्पेसिफिक नाम बताएं, उसका हम 25 पैसे 20 पैसे का स्टॉप लॉस भी बताएं, तो बाजार हर वक्त हमारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, हमें बाजार के अनुसार चलना पड़ेगा। ये एक असमंजस का समय है, जहां जिसका बिका हुआ है, जिसका शॉर्ट है, वो आज की तारीख में विनर है, और विनर को अपनी विनिंग्स को कैरी ऑन करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लगाना चाहिए। पर अगर किसी को कोई सौदा ही नहीं है, नया सौदा करना है, तो उसको मेरे हिसाब से तेजी करने की बजाय, मंदी करने की बजाय रिवर्सल आने पर तेजी का सौदा करना बेटर होगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पास रेडीमेड कोई ट्रेड है और इसी घंटे चल पड़े, आधे घंटे पहले था, अब सब में स्टॉप लॉस लग गए, तो टेंटेटिव ट्रेडिंग का बाजार है डिब्बी जी। सुशील, कुछ मिड कैप स्मॉल कैप आपके रेडार पे आ रहे हैं, क्योंकि वहां आज का स्क्रीन बता रहा है थोड़ा रिलेटिव रेजिलियंस है। आपकी आवाज नहीं सुन पाया सुशील, मैं। मैं जानना चाह रहा था, कुछ आज दिख रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़े फिर भी हरे ट्रेड ज्यादा, हरे निशान में ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, हेलो, वहां कुछ स्टॉक्स आपकी आवाज आपके नहीं आ रेडार रही पे आ है। रहे हैं? ओके, कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया सुशील के साथ। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।